अभिभावक दादा जी जयप्रकाश यादव जी, हमारे जमुई से लेकर के तारापुर के सभी, मुंगेर जिला के सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण और हम लोगों के प्रत्याशी अरुण शाह जी और गंगटा स्टेट के सभी हमारे निवासी ग्रामीण, सभी हमारे बुजुर्ग युवा साथीगण, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग उन्हें बड़ा जोश जम्बी के साथ जो है स्वागत और आशीर्वाद देने का काम किया है और आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है। और आकर के हम आप लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई समाज का हो, कोई वर्ग का हो, एक एक वोट जो है लालटेन के निशान पर बटन दबा करके अरुण शाह जी को विजय बनाने का काम करें और लालू जी के हाथ को मजबूत करें। आप यहाँ देखिएगा, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है। महंगाई देख लीजिए कितना हो गया, पेट्रोल डीजल गैस चूल्हा, पेट्रोल डीजल तो सेंचुरी पार हो गया, अब बताओ मोटरसाइकिल कैसे चलेगा। इनकमिंग है नहीं, खाली आउटगोइंग है आप लोग का, खाली खर्चे है, कमाई नहीं है। किसान लोगों को देखो भाई, वो यूरिया देखिए कितना खाद महंगा हो गया, कहीं मिल नहीं रहा, इतना महंगा हो गया, लोग परेशान ही परेशान, ना अच्छा शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना रोजगार है। पिछला चुनाव में तो गड़बड़ी करके दो चार सीट इन्होंने कर लिया, सब लोग जान रहे हैं, इसका कोई गवाही हमको नहीं देना, आप लोग बेहतर ढंग से जानते हैं। लेकिन पिछला चुनाव में हमने कहा था, वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो मेरा पहला कदम अगर चलेगा, पहला कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लेंगे, दस्तखत करेंगे कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। और ये भाजपा वाला लोग, ये लोग कहा कि 19 लाख देगा, आज एक साल हो ना गया, कितना लोग को रोजगार मिला, बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना लिया, लोग पलायन करते हैं, मजदूरी के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, यहां कुछ नहीं है, ना कारखाना है, ना इंडस्ट्री है, ना अच्छा अस्पताल है, ना अच्छा यूनिवर्सिटी है, ना अच्छा स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, टीचर लोग का तो तनखेर हो गई, पूरा नवरात्र और लोगों को मिला के बताइए, इतना त्यौहार चल रहा है, लोग और बाल बच्चा है, वो लोग भी चाहता है कि मेला जाए, कहां से चलेगा भाई घर। आप बता दीजिए, इस मौजूदा सरकार ने एक साल में कौन सा ऐसा काम किया, 7 निश्चय योजना खाली भ्रष्टाचार में लूट ही लूट है, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना गांधी जी दिए हुए कोई काम होता है, बिना पैसा का कोई काम होता है, अरे जुटाओं का बोलता शराब बन दिया है, घर में शराब मिल रहा, होम डिलीवरी हो रहा है, यही फर्क है, गरीबों को जेल में डाला जा रहा है, 200 का बोतल अब 500 में दे रहा, 1000 रुपये में देगा, क्या कमा है वो तो हमको ज्यादा बताने की जरूरत है। एक बता दीजिए, कौन लोग खुश है सरकार से, कोई लोग खुश है तो बता दीजिए, क्या काम किया है डबल इंजन का सरकार, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए, ना इन्होंने विशेष पैकेज दिया, और भारत सरकार एक काम जरूर कर रही है कि देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, रेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, LIC बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, किसानों का जो अब खेत पे नजर है, सब कुछ बेच करके, ये देख रहे किसान सब पूरा आंदोलन कर रहा देश भर में, जो विधेयक आया है 3 कृषि बिल का, कितना भाई भयावक है, मतलब एक मार्केट रहेगा वही सब कुछ होगा, कोई बाजार समिति नहीं, कुछ नहीं, नीतीश जी तो पहले खत्म कर चुके थे। इसलिए सभी मजदूर भाई, किसान भाई, नौजवान भाई,
सब लोग एकजुट होइए। और ये उपचुनाव, उपचुनाव क्यों हो रहा? क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने ही विधायक का जान नहीं बचा पाए। जो अपने ही विधायक का जान नहीं बचा पाया, यहाँ के जो प्राइवेट अस्पताल में थे यहाँ के विधायक, एक दिल्ली चले गए थे वहां उनका निधन हुआ, तब समझ गए जो अपने विधायक का जान नहीं बचा पाया, जो अपने विधायक का उपचार नहीं करा पाया, अस्पताल में एडमिट नहीं करा पाया, दवा नहीं दे पाया, ऑक्सीजन नहीं दे पाया, आईसीयू बेड में नहीं दे पाया, वो और आप जनता का क्या जान बचाएगा? इसलिए आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है, ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है, दो जगह उपचुनाव है। अगर दो सीट हम लोगों को आप लोग देते हैं तो खेला हो सकता है। जो बेमानी पिछले बार लोगों ने किया, इस बार आप लोगों को ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने मौका दिया है, इस मौके को आप लोग खेलिए। ज्यादा समय नहीं है। अब देखिए, पहली बार हमको आप लोगों के बीच यहाँ आकर के नुक्कड़ सभा में हमको आने का मौका मिला है और बड़ा खुशी है। और जैसा नौजवानों का जो प्यार मिल रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे भाई। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बुजुर्ग जो आशीर्वाद दे रहे, ऐसा लग रहा है कि हमारे पिता समान हैं और ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में। तो जो आप लोगों का प्यार, सब लोग इसी तरीके से आप लोग बनाए रखें, आपसे वादा है आप लोग जिताइएगा तो सूद समेत जो है सब कुछ वापस आप लोगों को कर देंगे।